हेलो गाइस, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साहब। बहुत सारे लोग अक्सर एक बात पूछते हैं और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उनका निकल के आता है और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी बच्चों को जिसके अंदर रहती है वो है आपकी बेस्ट बुक के सजेशन एनटीए नेट के लिए। तो कुछ एक चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ और कुछ आपको जो है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स और मैं अलॉन्ग विद दैट आपकी मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, जो आपके कॉमर्स के साथ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर वन पढ़ाता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को मैनेजमेंट, कॉमर्स और इनकी जो आपकी पेपर वन की किताबें आती है उसके बारे में सजेशंस देने वाला हूँ। बेस्ट राइटर्स या बेस्ट बुक्स आप जो हैं कहीं अगर आप इंटरनेट से लेना चाहें या ऑब्वियसली आप जो है खरीदना चाहें तो आपको सभी बाय लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कॉमर्स की बेस्ट बुक्स कौन सी है, मैनेजमेंट की कौन सी है, कुछ एक पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैंने कुछ एक चीज़ें जो है आपके लिए इकट्ठी करी हैं और उनके अंदर ये चीज़ सबसे पहले आती है कि आपके कुछ प्रोफेसर हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने पास किया है तो उनसे सजेशन लेके पॉलिटिकल साइंस हो गया और बाकी सब्जेक्ट को भी ऐड करने की कोशिश करी है। यहाँ आपको पेपर वन की बेस्ट बुक सजेशंस मिलेंगे, कॉमर्स मैनेजमेंट की बुक्स के एकदम पर्टिकुलर यूनिट वाइज आपको सजेशन मिलेंगे और रही बात आपकी जो पार्ट आपका बाकी सब्जेक्ट्स का है उनके बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे टीचर संपर्क में ज़रूर रहते हैं जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अकेडमी में भी एजुकेटर हूँ। अगर आप उन कोर्सेज के अंदर आना चाहते हैं जो कि प्लस कोर्सेज हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज हैं जहाँ आप एक महीने, तीन महीने, इस हिसाब से सिक्स मंथ का, ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप उनमें भी आ सकते हैं। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है फीस के अंदर और अगर आप क्रेडिट्स को वहाँ यूज़ करते हैं तो उनमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी के अंदर मेरे बहुत सारे फ्री लेसन्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इस तरीके के आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं जिनके सभी के लिंक मैं आपको जो है पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, पेपर वन के अंदर जो पहली बात आती है इसका एक डिटेल रिव्यू भी मैंने एक बार बनाया था जिन्हें बहुत लोगों ने देखा और इस किताब को उससे खरीदा भी और साथ ही साथ उनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। केवीएस मदान, अगर पेपर वन की बुक्स की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट किताब में से आती है, सब ऐसी किताब जिसके अंदर आपको 2500 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि ऐसी देखिए कोई भी बुक नहीं होती है जिसके अंदर कोई कमी ना हो या जिसके अंदर जो है आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर पेपर वन की बात की जाए एनटीए यूजीसी नेट के तो उसके करीब अगर कोई किताब आती है जो कि बहुत हद तक सारी चीज़ों को कवर करती है वो आपकी केवीएस मदान में से एक है। केवीएस मदान के अंदर सभी स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स आपको मिल जाती हैं और यूनिट्स के अंदर काफ़ी सारा डेटा भी अवेलेबल है, सभी यूनिट्स को जो है सिंप्लीफाइड भाषा में कवर करने की कोशिश भी की गई है। तो पेपर वन आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, ऊपर से 2500 क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इसमें मिल जाते हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। इस किताब के अंदर मुझे जो कमियां दिखती है मैंने रिव्यू के अंदर बताई है आपके केवीएस मदान के कि कुछ एक ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन आपको गलत मिल सकते हैं लेकिन वो आपको हर किताब के अंदर मिलेंगे, उतने ज़्यादा नहीं है जितने आपको बाकी बुक्स में मिलते हैं। हालांकि ऑप्शंस और भी हैं जैसे अरिहंत की आपकी पेपर वन है, ये भी आप खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। अब ये क्या होता है कि देखिए जो अरिहंत है या फिर आपकी उपकार है, ये सब जो किताबें होती है आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए होती है क्योंकि इसके अंदर आपकी 10 की 10 यूनिट्स जो है वो रहेंगी और जिसमें भी 10 यूनिट्स रहती हैं वहाँ पर राइटर के साथ अपनी एक और समस्या है कि उसे सब कुछ इंक्लूड करना होता है तो ये एक रीज़न ज़रूर रहता है कि वो आपका लिमिटेड ही डेटा ले सकता है। तो स्पेसिफिक किताबें ऑब्वियसली आती है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे रिसर्च की या टीचिंग की आपकी अलग से किताबें आती है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए, तो ये एक अलग चीज़ है जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑन अ नॉर्मल बेसिस आपकी अरिहंत भी अवेलेबल है क्योंकि एक अच्छी बुक है। केवीएस से मैं अगर रिलेट करूँगा तो मुझे ऑक्सफोर्ड और अरिहंत में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जो है वो कम लगती है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर्ड मुझे केवीएस में नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू, मैंने बाकी सब बुक्स को भी इवेलुएट करा और पढ़ा है तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। हरप्रीत कौर की जो कि आपकी ऑक्सफोर्ड की किताब है और चाहे अरिहंत की किताब है, अगर आप उसे केवीएस से कंपेयर करोगे तो केवीएस कहीं ना कहीं जीतती है बाकी सब चीज़ों में। हालांकि ये बुक्स भी अच्छी हैं, अगर आपके लोकेलिटी में हो सकता है केवीएस अवेलेबल ना हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। कईयों को हिंदी और इंग्लिश वर्जन ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग भी जो है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हिंदी वर्जन किसी चीज़ का अगर वहाँ अवेलेबल हो रहा हो तो आप इस किताब के लिए जा सकते हैं। इस किताब से भी बहुत से लोगों ने पढ़ के क्लियर किया है। और ट्रू मैन की अगेन एक बुक आती है जो कि पेपर वन के लिए आती है जो कि ठीक है, ये किताब भी आपकी पेपर वन के लिए बहुत अच्छी किताब है जिसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं आपके, लेकिन अगेन आई वो कि भाई मैं आपको यही कहूँगा कि आप केवीएस के साथ जाइए। अगर आपके पास केवीएस ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, अगर आप एक और किताब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शन आ जाते हैं अरिहंत का या फिर ट्रू मैन का, या फिर आप जो है ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हो
अवेल कर सकते हो आपका, जो कि आपका ऑक्सफोर्ड का भी ऑप्शन आता है। यहाँ मेरा मकसद है आपको ओवरऑल बुक्स के बारे में जानकारी देना। अगर आप आर गुप्ता की टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी किताब है जिससे कि आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप सीटेट के लिए कर रहे हो, चाहे आप कोई और टेट एग्जाम के लिए कर रहे हो या फिर नेट एग्जाम के लिए कर रहे हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड किसी को डिटेल में पढ़ना है या पढ़ाना होता है तो वो आपकी आर गुप्ता के साथ जा सकता है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की इनकी बुक आती है। छोटी सी पतली सी बुक है, आपकी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 30-35 रुपीज़ की बुक होगी, आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये किताब मैं ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसे बाय कर लीजिए, निकोलस वॉलीमन जो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आती है पेपर वन की, क्योंकि आप ये सिंपल सी भी बात है कि भाई इतनी कॉस्टली किताब कोई क्यों परचेज करेगा, ऑलमोस्ट 12,000 रुपये की ये बुक है आपकी, तो हर व्यक्ति उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता और यूज़ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए मैं आपको मैक्सिमम मटेरियल जो है वो इस किताब से कराता हूँ, अलॉन्ग विद जो आपकी कोठारी है, जो कि आपकी अगेन आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की वन ऑफ द बेस्ट बुक में गिनी जाती है। तो अगर आप अनअकैडमी पे भी पढ़ते हैं, प्लस क्लासेस में भी अगर आपको जो मैटर मिलता है, मैंने इसके बहुत सारी चीज़ें जो है इसी के कॉन्सेप्ट से करवाई हैं, और आपको वहाँ पर वॉल्यूमन जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखने को मिलेगा, और जब आप स्लाइड्स में भी डिफरेंस जो है वो देख पाओगे कि भाई जो मैटर आपको वहाँ मिलता है या एक्सप्लेनेशंस आपको मिलती हैं, क्योंकि पीडीएफ में 30% डेटा ही हम जो है वो इंक्लूड कर पाते हैं, 70% फिर भी डिपेंड करता है कि हम उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो ये बुक आपकी बहुत हेल्पफुल बुक है, अगर कोई इसे किसी और सोर्स से या आप मिल के लेना चाहें पढ़ाने के बेसिस पे तो आप ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन रिसर्च, रिसर्च के अंदर बेस्ट बुक में से आती है। स्पेसिफिक बुक्स अगर कॉमर्स के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए इस नाम से ज़्यादा आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो कि बेस्ट हो। मैंने ऑलमोस्ट इसके आप कहेंगे कि पिछले 8th edition से लेके 15th edition तक हर किताब को खरीदा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर फिलिप पोर्टलर, और बेहतरीन किताब जो है आप अगर मार्केटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इवन मेरी मार्केटिंग की बहुत सारी क्लासेस जो है वो आपकी इन्हीं के नोट्स से होती है, और बहुत बेहतरीन किताब है, ओवरऑल प्रैक्टिस करवाती है आपको। मैंने इस किताब को ऑलमोस्ट आज से 4-5 साल पहले खरीदना शुरू किया था, जब 8,000 रुपये के एक पोर्टलर का एडिशन आया करता था। अब तो ऑब्वियसली इतने कॉस्टली एडिशन नहीं आते हैं, क्योंकि कमर्शियल ज़्यादा अगर किताब हो जाती है तो ज़्यादातर उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि मैक्सिमम लोग उसे खरीद सकें। अब आरपी रस्तोगी एक ऐसी किताब है जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए खरीद सकते हैं, अगर आप कॉमर्स और आपके मैनेजमेंट के स्टूडेंट और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है तो आप आरपी रस्तोगी के लिए जा सकते हैं, बेहतरीन किताब है। इसके लिए एक सजेशन आपका इकोनॉमिक्स की पियर्सन की, मेरे पास फोटो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने वो नहीं डालिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए पियर्सन ले लीजिए, चाहे आपकी जो 11th और 12th के अंदर जो आपकी आती है, जिसके अंदर आप जो है बहुत सारे ऐसे राइटर्स को प्रेफर कर सकते हो। मैं कहूँगा अगर किसी को इको शुरू से पढ़नी है, बेसिक से पढ़नी है, तो वो संदीप गर्ग लेना, जो आपकी 12th क्लास में इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर संदीप गर्ग आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो लगेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, आपके बेसिक्स को क्लियर करने की बात करते हो, माइक्रो और मैक्रो दोनों आती है, दोनों को पढ़िएगा। मैक्रो हालांकि आपके नेट एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर सब्जेक्ट की बनानी है तो शुरुआत यहाँ से करिएगा, और फिर पियर्सन की आप बुक ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत एडवांस लेवल तक भी आती है, जिसके अंदर आप जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। उसके बाद अगर इनकम टैक्स की बात करूँ, मैं आपको दो सजेशन दूंगा, एक तो गिरीश आहूजा और एक सिंघानिया। यहाँ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये दोनों किताबें हैं, जिसके अंदर आपकी इनकम टैक्स की जो आपकी इंक्लूड करती है, जीएसटी के पार्ट को भी, जो आपकी विनोद के सिंघानिया की और मोनिका सिंघानिया की आती है, बेहतरीन बुक है गाइस। अगर आप सीए की फील्ड से या सीएस की फील्ड से, और अगर आपको फिर भी ये चीज़ें जो है वो अलग से पढ़नी है, तो टैक्समैन के थ्रू आने वाली ये किताब बेहतरीन है, मैंने खुद पढ़ी है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। और कोई भी किताब मैं ऐसी आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सब्जेक्ट से और मैंने ना पढ़ी और आपको यहाँ रिकमेंड कर दी हो। अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड में कोठारी भी एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की लिस्ट के अंदर, लेकिन वो किताब भी बेहतरीन थी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इनकम टैक्स के अंदर गिरीश आहूजा ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी, रवि गुप्ता के साथ ये जो आ रही है ये बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। सीए इंटर वाले आईपीसी के लिए जो आपका स्पेशलाइज स्टडी करना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अगर नेट के अंदर किसी को अगर आपका स्पेशलाइजेशन इनकम टैक्स आपको तरीके से पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वीके भल्ला को पढ़िए, बेहतरीन किताब है इंटरनेशनल बिजनेस की, आपको बहुत सारा कॉन्टेंट, बहुत सारा मैटर और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर आप इसको पढ़ते हैं। और मैं जो भी किताब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस, मेरे अगर आप अनअकैडमी प्लस के अंदर पढ़ते हैं तो आपके ज़्यादातर नोट्स इन किताबों से होते हैं, और वो बहुत हेल्प करते हैं बाकी लोगों को भी एग्जाम को अचीव करने के लिए, तो आप जो है रेफर कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मेरी नज़र में ये किताब जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मैंने बहुत सारे लोगों को जो है इस किताब से पढ़ते देखा है, मैंने खुद भी बहुत लोगों को ये किताब दी है और उन्होंने उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर गैरी डेसलर पढ़ के पाए हैं, और गैरी डेसलर जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं मानता हूँ आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए,
जो आप बाय कर सकते हैं। मैं अगेन आपको एक बात बोलता हूँ कि आपकी नेट प्रिपरेशन के लिए आपकी सबसे अच्छी साथी है बुक होती है आपकी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें। लेकिन आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, स्पेशल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको वो सब्जेक्ट्स आगे कहीं पढ़ाने हैं और ट्रेनिंग के लिए चाहते हैं, तो जो आपको सजेशन दे रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं आपकी अलग अलग डोमेन के अंदर। बिजनेस स्टडी अगर आप करना चाहते हैं आप जाइए सुभाष जी के साथ, बड़ी बेसिक किताब है, आपको बिजनेस स्टडी को इस तरीके से समझाएगी अलॉन्ग विद दी केस स्टडीज कि आप पढ़ा भी पाओगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को भी और उससे लेके बीकॉम या एमकॉम कोई भी स्टैंडर्ड में अगर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बिजनेस स्टडीज के तो आप पढ़ा पाओगे। लेकिन ट्वेल्थ क्लास की ये किताब बहुत बेहतरीन किताबों में आती है, अलॉन्ग विद आप ट्वेल्थ क्लास की एंटरप्रेन्योरशिप की किताब भी ले सकते हैं जो कि अगेन आपकी बहुत बेहतरीन बुक में आती है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में लिया गया है कि आपका पढ़ के मन खुश हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए मैं टैक्समैन सजेस्ट करूंगा आपको, जो कि विनीता त्रिपाठी की आती है और नीति बनवार की आती है, बेहतरीन बुक है इसका, थर्ड एडिशन मैंने खुद पढ़ा है और एक बहुत ही अच्छी किताब स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, चाहे आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं बहुत बेहतरीन किताब है। अकाउंटिंग के लिए आई विल सजेस्ट यू कि जो आपकी माइक पीपीआर की आती है, दूसरा आपकी जो जेनेट वॉकर की आती है, ये दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ना है और अकाउंटिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत आती है तो आप इस बुक से वो पढ़ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आई विल सजेस्ट यू एसी फर्नांडो इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैं गो थ्रू हुआ हूँ। हाँ, ये स्पेसिफिक किताबें आपके नेट का सारा सिलेबस नहीं करेगी क्योंकि ये नेट के लिए नहीं बनी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में उसे करवाने के लिए बनी है, जो कि आपकी मैक्सिमम काम आती है जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं या फिर आपको ट्रेनिंग जो है वो देनी होती है दूसरे लोगों को। टीचर्स के लिए तो बुक्स जो हैं जिन्हें आगे टीचर्स बनना है, स्पेशलाइजेशन करना है कि सब्जेक्ट में, उनके लिए तो बहुत वैल्यूएबल सजेशंस में से ये वीडियो रहेगा। मैं ये लिस्ट भेज दिया करता हूँ लोगों को, तो सबने सजेस्ट किया कि सर आप यूट्यूब वीडियो ही बना दीजिए, आप लिस्ट भेजते हैं तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं आप जो है वीडियो के थ्रू, बहुत और लोगों को भी पता लगेगा, उनकी मदद होगी। तो इसी फर्नांडो को इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। स्टैटिस्टिक्स में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मैं आपको उसकी एक बेस्ट किताब बताता हूँ आपकी, जो रॉबर्ट एस विटे है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर आपकी स्टैटिस्टिक्स। इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को एज अ ट्रेनर जो है यहाँ ट्रेन कर सकता है, अगर आप जो है पढ़ाना चाहते हैं और अगर आप इस सब्जेक्ट को अटमोस्ट डिटेल में करना चाहते हैं तो रॉबर्ट एस विटे और जॉन एस विटे की ये स्टैटिस्टिक्स किताब आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है। क्वालिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओपी गाबा को और जेसी जौहरी को, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी जो कि ओपी गाबा की किताब आती है। ये पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर मुझे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो पेपर वन मुझसे पढ़ते हैं और पॉलिटिकल उनका अपना सब्जेक्ट है, उन सभी के सजेशन पर बेस्ड ये आपकी किताब मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक बेहतरीन आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जेसी जौहरी, ये बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे पढ़ा है तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की तरफ रुख कर सकते हैं जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। ये आपकी यूनिट्स को अगेन मैं कहता हूं नेट के पेपर के हिसाब से नहीं जो है कवर करती है, ये डिटेल्ड बुक्स हैं जहां से आप कुछ एक पार्ट्स को ले सकते हैं और आपको डिटेल स्टडी करनी है तो इन किताबों का रुख आप कर सकते हैं। जिसके बाद मैं आपसे एंड ऑफ द टाइम यही कहूंगा कि मैं कुछ एक डिस्क्रिप्शन में जैसे पंजाबी की कोई बुक्स हैं उनके लिंक डाल दूंगा, और अगर आप कमेंट में पूछना चाहते हैं आपका कोई और सब्जेक्ट है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट में आंसर करने की। वेरियस एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, हमारे साथी टीचर्स भी होते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनसे प्रिपेयर करके मैंने भी एक लिस्ट बना रखी है बाकी और सब्जेक्ट के लिए जिन्हें मैं नहीं पढ़ाता लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ उन बुक्स को भी। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यूएबल वीडियो था आप सभी लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, जहाँ कॉमर्स मैनेजमेंट और पॉलिटिकल को और पेपर वन को हमने कवर किया है। साथ ही साथ अगर आप पंजाबी की एक किताब मैंने जो है पिछली बार भी रिकमेंड की थी, अगेन आपकी कुछ एक कंप्यूटर साइंसेज की मेरे बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनसे मैं पूछ के ऑब्वियसली आपको बता सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की बुक्स कौन सी आती है, आप कमेंट में पूछ लेना, आई विल आंसर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच गाइस आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको चैनल पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है तो ऑब्वियसली इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स मैं यहाँ पूरा करवा रहा हूँ जो कि आपको नेक्स्ट 5 से 6 दिन के अंदर सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप उसे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसे सेव कर लीजिएगा ताकि आप उसे पेपर से पहले और अभी एक बार देख पाएं, और उसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स यहाँ पढ़ाने का जो आपका मन है वो आपकी शुरू हो जाएगी। बाकी अन अकेडमी के सभी कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो बहुत हेल्पफुल है, उन्हें एक्सेस करिए, उनसे बहुत लोगों ने पढ़ के नेट निकाला है, तो आई होप कि मैं जितने लोगों की मदद कर पाऊँ उतना कम है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और जितने लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर करिएगा, क्योंकि बुक्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के मन में, कुछ एक साल का एक्सपीरियंस है जो गैदर किया उस बेसिस में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो आई होप ये आपकी हेल्प करे और दूसरों की भी हेल्प करे, इसलिए उसे ज़रूर जो है शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच आप इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर आपके अन अकेडमी पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय गाइस।